अमरावती शहरातील ईदगाह चौक स्वातंत्र्य दिन निमित्ताने ऑल इंडिया कोमी तांजिन व हिंदू मुस्लिम एकता फ्रंटच्या वतीने कोरोना योद्धा सत्कार। 15 ऑगस्ट रविवार रोजी स्वातंत्र्य दिन निमित्ताने अमरावती शहरातील ईदगाह चौक येथील ऑल इंडिया कोमी तांजिन व हिंदू मुस्लिम एकता फ्रंटच्या वतीने कोरोना योद्धा सत्कार आणि विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते। अमरावती महानगरपालिका शिक्षण सभापती अब्दुल रफीक पत्रकार यांनी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते। यावेळी पालकमंत्री यशोमती ठाकूर व माजी आमदार सुनील देशमुख, वजाहत मिर्झा काँग्रेस कमिटी अध्यक्ष आणि पत्रकार बंधू मोठी संख्या उपस्थित होती। यावेळी आरोग्य विभागातील कार्य करणाऱ्या महिलांचा सत्कार करण्यात आला आणि 10वी 12वी मध्ये मेरिट मध्ये आलेले विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला। अमरावती शहरातील आणि ग्रामीण विभागातील पत्रकारांना कोविड योद्धा म्हणून काम करणाऱ्या पत्रकारांचा सत्कार करण्यात आला। विशेष म्हणजे या कार्यक्रमाला खानदेश अभिनेता आसिफ अलबेला लाभले होते। यावेळी अभिनेता आसिफ अलबेला यांनी नागरिकांचे चांगले मनोरंजन केले। या कार्यक्रमामध्ये अचलपूर तालुक्यातले ज्येष्ठ पत्रकार फिरोज खान यांची चांगली कामगिरी केलेल्याबद्दल सत्कार खानदेश अभिनेता आसिफ अलबेला यांच्या हस्ते करण्यात आला। अरे थी वो सारा याद है ना? ओ मेरी बोरी थी अच्छी भली, उसकी किस्मत थी ऐसी बुरी। ओ मेरी बोरी थी अच्छी भली, उसकी किस्मत थी ऐसी बुरी। अच्छा तू भी मेरे साथ चल रहा बरोबर है? तो एक चीज है, अभी रफीक भाई उसके साथ में मुझसे कहा कि लेडीज की आवाज है। लेडीज में ये होता कि मियां बीवी के जो झगड़े होते हैं बड़े कमाल है। नोटबंदी हो गई, नोटबंदी हो गई, आदमी संताप का धर हुआ, क्योंकि 8 महीने के बाद मोदी जी कभी भी कुछ नहीं बोलते थे। अंसार भाई मेहरबानी करके, अंसार भाई सर भाई आपका हो गया। रफू भाई इधर देखो, आप लोगों को एक बड़ी खुशखबरी मैं देने जा रहा हूँ कि पहली सर 2 मिनट सर 2 मिनट ये मोहसिन भाई प्रतिदिन न्यूज से रफू भाई इनका इस्तकबाल। शुक्रिया मोहतरम हजरात। सर 2 मिनट सर, अभी हमारे दरमियान में एक रफू भाई पत्रकार, माजी शिक्षण सभापति, इनकी बेटी, इनकी सबसे छोटी बेटी आयना लिकरा, वो अपनी छोटी सी जबान से हम लोगों के दरमियान में आज़ादी पर अपने ख्यालात का इजहार पेश करने वाली है। मैं आयना लिकरा को दावत देता हूँ कि वो जल्द से जल्द स्टेज पर आए। फौरन आयना लिकरा, मैं इस शेर के साथ दावत देता हूँ कि वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है, जो शाखे नीम की है अब उसे चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिर और मस्जिद के झगड़ों से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। जोरदार तालियों से आईना लिखरा का इस्तकबाल करें। आज के जलसे के सदर मेहमान खुसूसी मेरे बुजुर्गों और साथियों सबको सलाम अलैकुम। हमारा नाम आईना लिखरा, हमारे वालिद का नाम अब्दुल रफीक जिन्हें आप रफू भाई पत्रकार के नाम से जानते हैं। दोस्तों और साथियों, आज 15 अगस्त यानी कि हमारे भारत की आज़ादी का दिन है। जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन हमारे मुल्क भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी मिली थी, लेकिन ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं